नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं शाहनवाज अख्तर। आज कर्नाटक के चुनाव के पर जो परिणाम आए हैं कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं, इसलिए मैं इस पर एक विश्लेषण 5 मिनट में करने की कोशिश करूंगा, जिसमें 5 बिंदुओं के जरिए आपको बताऊंगा कि क्या संकेत इस चुनाव के आने वाले विधानसभा चुनावों पे और देश में जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उस पर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ, ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी रहा कि किसी भी पार्टी को सीटों के हिसाब से और वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी जीत पिछले 34 सालों में मिली है कर्नाटक में। तो कांग्रेस को जो इतनी बड़ी जीत मिली है उसके सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी, जो हमारा पहला पॉइंट भी है, राहुल गांधी को जननायक के तौर पे इस चुनाव ने स्थापित कर दिया। राहुल गांधी ने 2022 के आखिर में और 2023 तक जो एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी और जब वो कर्नाटक पहुंची तो कर्नाटक के 91 विधानसभा क्षेत्रों पे ये यात्रा गई थी और इस 91 क्षेत्रों में से 75% विधानसभा सीटों पे कांग्रेस की जीत हुई है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अब अध्यक्ष बन चुके हैं, एसडी कुमार और सिद्धरमैया वगैरह ने भी कैंपेनिंग की, लेकिन राहुल गांधी के जिस तरह की सफलता मिली है और राहुल गांधी चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से बीजेपी का कमाल संभाल रखा था और उसके खिलाफ़ में राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव पे जीत कर आए हैं उससे साबित करता है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस आम लोगों में बन चुकी है, जिसका इंतज़ार शायद कांग्रेस को भी था और ये आने वाले वक्त में पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि कांग्रेस को इनसे और कितना फ़ायदा मिलता है और भारत की राजनीति में राहुल गांधी की यात्रा अब कहाँ जाकर पहुँचती है। तो दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि देश में जो एक नफ़रत की राजनीति हो रही थी उस नफ़रत की राजनीति को भी कर्नाटक ने रोका है। कर्नाटक में पिछले 2 सालों से जिस तरीके से हिजाब बैन, मुस्लिमों के इकोनॉमिक बायकॉट और किसी भी मुस्लिम को पकड़ करके किसी भी बात के लिए पीट दिया जाने का कई सारे मामले आए थे और फिर इलेक्शन के दौरान जो पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के मंत्री तक ने कोशिश की, उसके बावजूद कर्नाटक में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी को अब अपने स्ट्रैटेजी पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है और एक जो नफरत की राजनीति जो बीजेपी को कर रही है और उसका फ़ायदा मिलता था उस पर अब उनको विचार करना चाहिए। कर्नाटक की जनता ने ये संकेत दे दिए हैं। तीसरी जो सबसे ख़ास बात यह है कि आज भी स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ना विधानसभा के चुनाव में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बीजेपी ने नेशनलिज्म और धार्मिक गोलबंदी के बिना पे चुनाव लड़ा था और कर्नाटक की जनता ने उसे नकार दिया, तो अब ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को अपने स्ट्रैटेजी में यहाँ पे भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी सबसे ख़ास बात यह है कि भ्रष्टाचार, पूरे देश में वैसे भ्रष्टाचार है पर कर्नाटक में भ्रष्टाचार बीजेपी के कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और उसका सबसे बड़ा सबूत कर्नाटक के एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख कर दिया कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं फिर भी हमसे 40% की कमीशन मांगा जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस बात को कांग्रेस अपने कैंपेन में घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रही और जिसका परिणाम सामने है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात जो मेरे निगाह में है, जो मेरे विश्लेषण में है, वो ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 30 से ज़्यादा बार कर्नाटक का दौरा किया रोड शो के रूप में, रैली के रूप में, और पब्लिक मनी का जो उनका इस्तेमाल होता है उसमें उनके रैलियों में वो बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को इसका परिणाम नहीं मिला। तो प्राइम मिनिस्टर को अब ये सोचना चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि पब्लिक पैसों पे जो पार्टी का प्रचार होता है और देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे चुना है, तो अब वो इस बार में सोचें कि उनका वक्त लोगों के काम पे कैसे
गुजरे, ना कि पार्टी के प्रचार में ज़्यादा गुजरे। हमारे इस विश्लेषण को सुनने के लिए धन्यवाद।